भाई लोग कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अपन आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने अपना पबजी मोबाइल गेम, और इस बार अपन ने काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया है। अपनी स्क्वाड अपने साथ नहीं उतरी है हमेशा की तरह, यार यू नो के रैंडम्स, यू नो किसी को सेफ खेलना है, किसी को कहाँ जाना है, किसी को कहाँ जाना है। तो इस बार अपन वापस से अकेले उतरे अपने वही मिल्टा पावर पे, और उतर के अपन ने कर दिया बूम बाम एकदम। तो आओ शुरू करते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या वहाँ पे मज़े लिए और क्या क्या किया। तो लगभग इस गेम का आधा मैच मैंने सोलो ही परफॉर्म किया है, मतलब है पूरा स्क्वाड का गेम लेकिन मैं सोलो ही था क्योंकि स्क्वाड मेरे साथ उतरी नहीं। तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से सबको फिनिश करके पहुँचना था। तो अब आओ आ जाते हैं अपन अपनी लैंग्वेज में जो कि इस गेम में अपन यूज़ करने वाले हैं। तो अब देख रहे हैं अपने गाड़ी ले ली, अब हम जा रहे हैं मिल्टा पावर, एकदम गरजा देंगे सबको। और गाड़ी चलाते वक्त हम साइडन में देखे कौनो दो तीन जना उतरा है हमारे साथ, तो कौनो बात ना है, हम भी लूट करेंगे वो भी लूट करेंगे और फिर देखेंगे फाइट फूट होगा एकदम, मारा मारी करेंगे एकदम। तो जल्दी से हम लूट लिए हैं, लूट में हमको मिल गया है काफ़ी कुछ, एकदम M4 उठा लिए, UMP उठा लिए, और तनिक ऐसे टहल रहे थे हमारा पहला शिकार हमारे सामने दिखा एकदम हरा हरा एकदम हरियाली में। अरे कहाँ जा रहे भैया, ये बात। तो हमने अपना पहला लक्ष्य भेद लिया है एकदम, ये भैया साइडन से लूटन के आए थे तो ज़्यादा इनके पास माल था नहीं। तो अभी चलिए हम थोड़ा छत पे आ गए, थोड़ा टहला करने, थोड़ी ताज़ी हवा भी मिल जाएगी। इट्ठो हमको दिखा तो सही है कोई, तो नाच रहा है थोड़ा, हमने डैमेज देने की कोशिश की लेकिन साला बच गया। तो अब हम अपनी बाकी लूट कंप्लीट कर लेते हैं जिससे ये साइड क्लियर हो जाएगा, तो हमको निश्चितता हो जाएगी कि यहाँ पे तो कोई नहीं। यहाँ यहाँ घूमते घूमते हमको मिली हमारी फ्लियर गन, तो हम पहुँच गए एकदम छत पे और हमने सोचा जल्दी से फ्लियर चला देते हैं कि ड्रॉप आएगा तो लूटन की सारी व्यवस्था हमारे पास पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। इतने में हम देखे वेयर हाउस की तरफ, एक चचा पता नहीं क्या कर रहा है, खूब सारा डैमेज देने की कोशिश किए लेकिन नहीं दे पाए। देखो भैया हमारा पहला काम ये था कि इनको हियाँ आने से रोकना है क्योंकि हमको लूटना है हमारा डिरॉप, और डिरॉप लूटे बिना हमारा काम नहीं बनेगा क्योंकि उनमें आएगा गन, बढ़िया बढ़िया गन होगा तो जल्दी सूझ पाएंगे, जल्दी भेद पाएंगे लक्ष्य को। इतने में हम कर रहे थे अपना ड्रिंक व्रिंक, हम देखे कौनो कोई आया है यहाँ पे, एकदम नागमणि लेने को नीचे ले के हमने एकदम गचार करके एक को तो कर दिया हमने काउंट, दूसरा भी हमको दिखा बट उससे पहले हमने जिसको नॉक किया था उसको फिनिश करना बहुत ज़रूरी था, तो हमने उसको कर दिया फिनिश और दूसरे को भी कर दिया हैंड टू हैंड नॉक। अब इतने में हम इसको भी फिनिश करने की सोचे बट इसको बहुत ही अच्छा बाइक ऑफ फायर मिल रहा था, और इतने में हमारा ड्रॉप भी आ गया था, तो हमने सोचा पहले ड्रॉप लूट लेते हैं। हम उठाए गर्चा क्योंकि ओम उठाने का मतलब था नहीं, अब सेकेंडरी वेपन अपन को AR ही चाहिए था। इस बार अपन छज्जे पे एकदम कूदे और इयाँ और इयाँ देखने लगे तनिक कोई गांव को वासी आ तो नहीं रहा, हम सस्ता नशा वाली ड्रिंक ले ही रहे थे, इयाँ में आहट सुनाई दी हमको और हम देखे एम करके एक चचा ये कूदते हुए और सीधे नागमणि लेने को ले गए। हम इनको किए पहले नॉक और तुरंत प्रभाव से हम कर दिए इनको फेंक, तो हमारा ये किल कन्फर्म करते ही हम इयाँ देखे कि कोई आ तो नहीं रहा, साला फुड़बक कौनो कोई कैंपर वैम्पर साइडन से आ रहा हो, एक मामू जान एकदम भागते हुए बेतहाशा आ रहे थे लेकिन साला लेट गए। इनको छोड़ के हम तनिक डिसाइड किए जो पहले आजू बाजू में घूम रहे हैं हमारे शत्रु, पहले उनको फिनिश करना बहुत ही जरूरी है, और हम डिसाइड किए कि हम अपनी जगह चेंज करें, और जगह चेंज करने के लिए वेयर हाउस की तरफ जा ही रहे थे। साला फुड़बक कोई साइड से हमको बहुत ही डैमेज कर दिया, साला 1 HP छोड़ा है। इतने में गार्डन में घूम रहे चक्का को हम जल्दी से करती है नॉक, इनको हम फिनिश भी करते हैं लेकिन उससे पहले हम अपनी हेल्थ देखे और आजू बाजू देखे कहूँ तो इनको बैकअप तो नहीं देने आ रहा है। जैसे ही हम हेल्प करने के लिए यहाँ पे कवर में बैठे एक चौरंगा देखो इनको बैकअप देने आ रहा है, और ये साला चौरंगा हमको पता था कि पहले आके नागमणि लेके एकदम सो गया, अब नागमणि इनको चाहिए थी और हमने सोचा इनको नागमणि अच्छे से देंगे, पहले हमने करी हेल्प और हमको दिखा कि ये यहीं लेटा हुआ है, यहाँ जाके एकदम गर्चा दिए और दोनों को नॉक हम फिनिश। ये बाकी के दोनों बंदे बड़ी बिल्डिंग में काफ़ी इंतजार कर रहे हैं हमारा कि भैया हम अंदर आएंगे, लेकिन हमने पहले वापस लिया कवर। कवर लेना बहुत ही ज़रूरी है इस गेम में, स्ट्रेटर्जी बहुत ज़रूरी है जब आप अकेले हैं। तो हम किए इनके बाहर आने का वेट, और जैसे ही हम देखे कि यहीं से हमको आहट आई उससे पहले हम प्रिपेयर कर लिए अपने आप को एक सस्ता नशा वाली ड्रिंक लेके,
और हम इनके बाहर आने का वेट कर रहे हैं। तो ये बाउट फायर करके हमको समझ रहे हैं चाचा कि हम बाहर आएंगे, लेकिन इतने हम देखे और बिल्ली सूट को हम बना दिए बिल्ली सूट। इनके सपोर्ट के लिए पीछे इनका आखिरी प्लेयर आया, लेकिन इनको नहीं पता था कि हमारे पास है गर्जा और हम गर्जा से बहुत ही जल्दी गर्जा देते हैं। ये स्कॉट तो बिल्कुल हो गई फिनिश। इतने में हमको दूसरे स्कॉट की जरा आहट आई, हम सोचे कहाँ है, और थोड़ा सा हमने वापस कवर में रह के वेट किया और ये देखिए चाचा कैसे आ रहे हैं। अरे भुट्टा, हम देखे भुट्टा, इसको तो हम ही भून के खाएंगे। और ये पहला और ये दूसरा, दोनों एक साथ नहीं आए, ये बहुत ही अच्छा रहा। एक एक करके आए और बढ़िया तरीके से एकदम नॉक और फिनिश हो गए। यहाँ का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा लूटन व्यवस्था बहुत ही जरूरी है, क्या है कि लूटन व्यवस्था होगी तो आगे के और प्लेयर हम मार पाएंगे। तो अब लूट के जैसे निकल रहे थे, ये कुतवा पता नहीं क्या कर रहा था, तो इनको यहाँ पे फिनिश करने के बाद हमारे हो गए 10 किल और हम चल दिए अपने स्क्वाड के पास। तो हम पूछे भैया पहले बताओ किसके पास बंदा है, तो हमारे से कोनो किसी की कम्युनिकेशन तो हुई थी, हम पूछे भी थे भाई किसके पास बंदा है, तो तनिक सुनिए देखिए। तो ये आप सुने ही होंगे, देखिए 2 नंबर के पास बंदे हैं। तो हम 2 नंबर के पास पहुंचे, कौनो बंदा नहीं था। हम उससे पूछे भाई कि जब बंदा नहीं था तो क्यों बोल रहे थे, तो हम 3 नंबर के पास भी पहुंच गए और 3 नंबर हमको बता रहा था बंदा है ऊपर की साइड। और ये गाड़ी जली हुई देख के हम समझ ही गए कि यहाँ पे बंदा, और हमको एक आभास सा दिखाई दिया। ये देखिए ये गाड़ी आई और गाड़ी में उतारने में हम बहुत फर्स्ट नंबर, तो हम चटका दिए इनको गर्जा पहले और ये गिल्ली सूट फिर वापस से निकला और इनको हम कर दिए फिनिश। वहाँ का खेल करके ख़त्म हम अपने जोन में आए, तो जोन में आके देखते हैं, ओ भाई ये चचा हमारा वेट कर रहे हैं। ए चचा गर्जा लाए हैं, खाओगे क्या? हम कौन सो नियुक्त, हमारे पास भी जनरेटर है। अरे तुम्हारे जनरेटर को रखो अपनी जेब में। अरे अरे कहाँ भाग रहे हो चचा, आइए लड़िए इधर सामने आ जा। देखिए जनरेटर चलाने का मौका ही नहीं दिए हमारे गिल्ली बिल्ली सूट वाले चचा को। हम मारने के बाद देखे कि एक गाड़ी आ रही है और हम जैसे ही गाड़ी पे एकदम घर जाए, इतने में हम देखते गाड़ी घुमा के भाग गई। अब हमने सोचा वापस तो जरूर आएगी, लेकिन वो गाड़ी वापस नहीं आई। हम तनिक इधर उधर थोड़ी देर वेट किया, लेकिन कौनो गाड़ी नहीं आई इतनी देर में। हमारा 3 नंबर जिस बिल्डिंग में था वहाँ पे एक बंदा हमको दिखाई दिया और हम जल्दी से उनको बैकअप फायर देते हुए उनको कर दिए फिनिश। सिंगल बंदा था तो डायरेक्ट किल हो गया। तो जोन का थोड़ा सा हम मापन क्रिया करते हुए देखे, थोड़ा वेट किए और इतने में देखे हम बिल्कुल एकदम नाचते हुए नचैया 2 प्लेयर आ रहे थे और उनके पीछे देखे उरो भैया कॉकरोच पूरा पूरा पलटन लेके आए हैं और जल्दी से इनको नॉक फिनिश करते रहे। ये हमको फोड़ना बहुत जरूरी था क्योंकि उसके पीछे की साइड ही बंदे छुपे हुए थे। जल्दी से हमने यहाँ पे अपना खेला समापन करने के लिए उनका कॉकरोच फोड़ा और हमारे 17 किल कम्प्लीट हो गए। तो 2 प्लेयर जिंदा थे, तो 1 प्लेयर तो हमारा पार्टनर खा गया और दूसरा प्लेयर हम देखे यहाँ पे, ये देखिए अभी यहीं पे घूमते घूमते हमने सोचा अब यहीं कहीं मिलेगा। अब ये देखिए ये तो 9 प्लेयर हमको मिला। अब यहीं हम देखने लगे, अब ये थोड़ा सा आगे का ये देखिए नागमणि ले रहा था और इसको हमने कर दिया व्हीकल से फिनिश और हो गए विनर विनर चिकन डिनर। और पबजी ने हमेशा की तरह हमारे साथ गद्दारी करके देखिए कौन को MVP बता रहा है। हमारे 18 किल है, इतना डैमेज है, लेकिन आखिरी के रिजल्ट में आके सबको आपको सच्चाई पता लग ही जाएगी। ये देखिए डैमेज देखिए और ये किल देखिए, तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि MVP कौन है। तो आप सभी लोगों को अगर ये खेला पसंद आया है तो आप सभी से विनती है कि इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगले वीडियो में आप सबन लोगन से फिर मुलाकात होगी इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है PUBG।